बॉक्स ओपन करने से पहले कुछ हाईलाइटेड फीचर देख लेते हैं. तो 6 महीने वारंटी में को यहाँ दिख रही है एंड एयर कम्फी सीट फॉर लॉन्गर राइड्स यहाँ मेंशन है. एडजस्टेबल एयर प्रेशर सीट ऑन द गो एंड टेल बोन सपोर्ट एयर कुशन इफेक्ट इजी डिटैचेबल 70% जर्क रिडक्शन. तो ये है इसके की फीचर्स एंड बॉक्स में और देखते हैं तो बाकी सब कैसे इसमें कौन कौन से और चीज़ें यूज़ की हो सारी डिटेल तो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा. तो जल्दी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं फिर. मैंने तो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रखा है. ये अनबॉक्सिंग आपके लिए बट क्या क्या बॉक्स में आता है वो आपको मालूम होना चाहिए. तो ये है वो सीट जो आपकी राइड को एक्चुअल में कंफर्टेबल बनाएगी एंड उसके ये स्ट्रैप्स एंड बॉक्स में और कुछ भी नहीं है. तो बॉक्स तो हम कर देते हैं बाजू में. ये है एयर कम्फी सीट. आपने ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी देखा होगा बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर आपको चाहिए कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि इसका और जो मार्केट में अवेलेबल है दोनों कंपैरिजन करूं तो कमेंट सेक्शन में भी जाइए एंड बताइए वहां पर एंड मैं जरूर उसके लिए व्लॉग बनाऊंगा. एंड जल्दी इसको मैं फिट करता हूं अपनी गाड़ी में एंड फिर बताता हूं इसके प्रोडक्ट फीचर एंड बाकी डिटेल. अब हम इसको फिट करते हैं. इसके लिए आते हैं दो स्ट्रैप्स में क्या करना है आपको सीट यहाँ ऊपर रख देना है. उसके बाद में ये जो पार्ट है एक स्ट्रैप्स को हम बाजू में कर देते अभी. तो आपको क्रॉस में डालना है. क्रॉस में डालने के बाद आपको सीट के क्रॉस करके आपको यहाँ पर एक हुक टाइप का दिख रहा है. हुक को आपको अंदर करना है एंड दैट्स इट. ये हो चुका है ठीक है. एंड सेम वैसे ही अपोजिट में भी है. आप उसको हुक कर दीजिए एंड ये जो सीट है एक तरफ से हो गई है. हम सेम आपको ये अपोजिट साइड से करना है एंड अपोजिट साइड से भी आप सेम करिए एंड जैसे कि आप देख सकते हैं विद इन मिनट ये सीट जो है वो लग चुका है. इसीलिए बोला गया है कि इजी टू डिटैचेबल एंड उसको आप इजीली अटैच भी कर सकते हैं. अब सीट जो है फिट हो चुकी है. अब आपको क्या करना है ये जो एरिया देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा है एंड ये कैसे वर्क करता है बताते हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल वॉल्व बोलते हैं इसको. तो कंट्रोल वॉल्व को हम थोड़ा सा घुमाएंगे अंदर की तरफ एंड मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं यहां से हवा भरने शुरू हो जाएगी. तो कुछ अगर आप जैसे पंप मारेंगे तो फिर ये रेडी टू यूज हो जाएगा. तो आप जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हो आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा और प्रेशर होना चाहिए ज़्यादा कम हवा है तो आप एक हाथ पीछे करके इसको प्रेस करके ही आप हवा भर सकते हैं ठीक है. और इसमें मेन चीज क्या है कि अब जब आप प्रेस कर रहे हैं तो बाकियों में क्या होता है जब आप ब्लो कर रहे होते हैं तो ब्लो करते वक्त जो एयर है वो बाहर भी आ रही होती है बट इसमें ऐसा नहीं है. जैसे कि देखिए मैंने रोक दिया है तो भी इसके अंदर हवा है. जब मैं इसको हवा को वाल्व को वापस करूंगा तो जो एयर जो है जैसी तब निकलेगी. अदरवाइज जैसे मैं कंट्रोल वॉल्व को एयर भरने पे लाऊंगा तो वो बाहर एयर नहीं निकलेगी. तो ये भी एक फीचर है अच्छा फीचर है जिससे कि आपकी जो राइड है वो एक्चुअल में कंफर्टेबल बन जाती है. आपको रुक के कम से कम दोबारा करके दोबारा एयर ब्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने देखा कैसे काम करता है. अब मैं हाईलाइट करता हूँ कुछ की फीचर्स जो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पंप है तो आप ऑन गो में ही आराम से भर सकते हैं. इसके साथ में कंट्रोल वॉल्व आता है तो आप ब्लो जब एयर इसमें कर रहे हैं जब इसमें भर रहे हैं तो एयर जो है वो बाहर नहीं निकलता तो वो भी अच्छा फीचर है. ये जो आप रनर्स देख रहे हैं जिपर्स देख रहे हैं वो है YKK का जो कि जितने भी अच्छे ब्रांड हैं जो राइडिंग गियर्स बनाते हैं जैसे कि तो वो YKK का यूज़ करते हैं. तो YKK जिपर से ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी जिप की. और ये जो एरिया देख रहे हैं वो मैश फैब्रिक है जिससे कि वेंटिलेशन एयर वेंटिलेशन जो है वो बना रहता है. तो जो पसीना आता है ना जब लॉन्ग राइड कर रहे होते हैं जो इरिटेटिंग होता है वो इसमें नहीं होता. तो ये भी एक अच्छा की फीचर है. और जब रेन हो रहा हो तो आपको यहाँ अंदर के साइड में ही आपको मिल जाता है इसका सीट कवर भी ताकि जो पानी है वो अंदर ना जाए. तो आपको जस्ट सिंपल क्या करना है आपको यहाँ पर लगाना है और ये सीट को कवर कर देना है सिंपली. तो वो आप इसको वाटरप्रूफ भी इजीली बना सकते हैं. तो ये कुछ छोटे छोटे की फीचर्स हैं इसके जो कि प्रोडक्ट को यूनिक करते हैं एंड
ये जो प्रोडक्ट है जो मेनली मुझे जो लगता है वो आप जब आप राइड जब 20-30 किलोमीटर की भी राइड कर रहे होते हैं या फिर कई कई लोग 300, 400, 500, 1000, 2000 किलोमीटर की राइड करते हैं तो जो लोअर बैक में पेन आता है ना उससे आपको बहुत दूर करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए मुझे लगता है। अगर आपने बाय नहीं किया हुआ है तो मेरा सजेशन बिल्कुल रहेगा कि एटलीस्ट ट्राई करिए, ठीक है। एंड मैं आपको बेट करता हूँ कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे बाद में आफ्टर ट्राई दिस। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ रोड पे जाके, एंड रोड पे दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखता है, ठीक है, एंड कैसे कंफर्ट फील करते हैं वो भी देखते हैं प्रैक्टिकली।